आईपीएल लगभग 20% खत्म होने की कगार पर है और लगभग 10 या 11 दिन बीत चुके हैं और अभी तक अगर हम नजर दौड़ाएं कि वो कौन सी टीमें हैं टॉप 4 टीमें हैं जो इस आईपीएल का खिताब जीतती हुई नजर आ रही हैं, तो बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अब टॉप 4 टीम की ओर रुख करें तो उससे पहले आप भी दोस्तों इसमें शामिल जरूर हो सकते हैं। आप कॉमेंट करके बताएं कि अभी तक जो आपने आईपीएल के मुकाबले जो देखे हैं उसमें कौन सी ऐसी वो टीमें हैं जो लगता है कि आईपीएल 2024 में चैंपियन बन सकती है, या किन वो दो टीमें हैं जिनके बीच आईपीएल का फाइनल खेला जा सकता है। मैं बात करता हूं यहां पर और छोटा वीडियो बनाएंगे। तो अभी तक अगर देखा जाए तो केकेआर का जो कॉम्बिनेशन है बहुत बेस्ट मुझे लगा है। दो मुकाबले खेले, दो जीते, वे पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर है। नंबर 1 पर राजस्थान रॉयल्स है। राजस्थान रॉयल्स ने 3 के 3 मुकाबले जीते हैं, लेकिन समस्या उसकी अभी ये बनी हुई है कि उसके जो जॉश बटलर है जो मैन बल्लेबाज है वो थोड़ा सा अभी पटरी पर नहीं आए हैं। लेकिन गेंदबाजी की बात करूं तो बहुत बढ़िया लगा। रविचंद्रन अश्विन ऑलराउंडर की भूमिका बराबर बेहतर तरीके से निभाई है और ट्रेंट बोल्ट क्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, मुंबई को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। युजवेंद्र चहल T20 वर्ल्ड कप के लिए वो अपना दावा मजबूत करेंगे, यदि अच्छा करेंगे आईपीएल तो मजबूर हो सकते हैं सिलेक्टर्स, उनका चयन जरूर होगा। तो बहुत बेहतर गेंदबाजी में कहूंगा और बैटिंग रही है सिवाय जॉश बटलर को आप छोड़ दें, तो राजस्थान रॉयल्स वो टीम है जो मुझे लगती है कि फाइनल में पहुंच सकती है। टॉप 4 में मुझे कन्फर्म टीम नजर आती है। आप यकीनन तौर पर मान लीजिए या रख लीजिए लिख करके कि राजस्थान रॉयल्स टॉप 4 में अपनी जगह बनाती हुई बिल्कुल लग रही है। साफ तौर पर देखा जा रहा है जिस तरीके का टीम यूनिट में प्रदर्शन किया है, संजू का बेहतर प्रदर्शन रहा है। पिछला मुकाबला दोस्तों जरूर खराब था लेकिन बहुत बेहतर मुझे टीम लगी है अभी तक जहां तक मैं देखूं। नंबर 2 पर देखूं, जैसे मैंने बताया केकेआर है तो गौतम गंभीर का बहुत जबरदस्त तरीके से दिमाग चल रहा है। मैंने आकाश चोपड़ा को खुद कॉमेंट्री करते हुए सुना है, गौतम गंभीर की नहीं सुनील नारायण की बुराई करते हुए कि इसको समझ में नहीं आता आखिर ऊपर क्यों प्रमोट किया जाता है। लेकिन सुनील नारायण ने गौतम गंभीर को सही साबित किया, आकाश चोपड़ा को एक तगड़ा जवाब दिया है वो भी अपने बल्ले के साथ। क्या बेहतरीन तूफानी अर्धशतक जो लगाया गौतम गंभीर का, क्रिकेटिंग माइंड बहुत जबरदस्त दोस्तों चलता है। मेंटोर इस बार केकेआर टीम के और बहुत बढ़िया खेल रही है। इसकी समस्या अगर बात करूं तो थोड़ा सा कप्तान जो श्रेयस अय्यर है उसको थोड़ा सा रन यहां पर जरूर करने चाहिए, बाकी की टीम गेंदबाजी करें बैटिंग देखें तो बहुत बेहतर बैलेंस नजर आती है। राजस्थान रॉयल्स जरूर टॉप पर है लेकिन मुझे लगता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स वो टीम हो सकती है जो आईपीएल के फाइनल में खेलती हुई नजर आई, यानी कि पॉइंट्स टेबल में भी ये टीम मेरे अकॉर्डिंग टॉप करती हुई नजर आने वाली। नंबर 3 की बात करूं तो सीएसके है पॉइंट्स टेबल में। सीएसके को कोई भी कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता, उसके प्लेयर्स पर मत जाइए, उसके प्लेयर्स की उम्र पर मत जाइए। ये वो टीम है जिसने सभी आईपीएल में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, तो ये वो टीम है जो नंबर 4 में जरूर अपनी जगह बनाएगी। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर बनी। नंबर 4 की अगर बात करें तो इसमें सनराइजर हैदराबाद जो नंबर 5 पर है, गुजरात टाइटंस जो नंबर 4 की पोजीशन पर बनी हुई है, तो ये वो टीम है जो नंबर 4 पर इस हफ्ते मुझे लगता है जरूर जगह बनाएंगी। नंबर 4 पर गुजरात जरूर है लेकिन गुजरात अभी नीचे जाएगी मेरा जहां तक मानना है। मैं ये नहीं कहता कि गुजरात टॉप नहीं करेगी या नहीं पहुंच सकती, लेकिन जो मेरी पर्सनल जो राय है, मुझे लगता है जो आगे आने वाला जो हफ्ता है गुजरात टाइटंस है वो नंबर 6 या 7 की पोजीशन पर खिसकती हुई नजर आएगी, और सनराइजर हैदराबाद है वो ऊपर अब जाएगी, वो वापसी करेगी। दिल्ली कैपिटल्स के लिए हालात बेहतर नहीं है, उसकी भी हालात बहुत बुरी चल रही है, और जहां तक बात करें लखनऊ की तो ये टीम अच्छी कर रही है, ये टीम भी ऊपर जा सकती है, लेकिन नंबर जो टॉप 4 में जगह बनाना इसके लिए भी अभी फिलहाल मुझे लगता है अगले हफ्ते तक आसान होने वाला नहीं है, और नहीं बना पाएंगे तो फिर अगला जो फेज होगा उसमें वो पीछे ज़्यादा निकल जाएगी। दिल्ली कैपिटल्स की मैंने बात कर ली है कि वो उसका भी बड़ा मुश्किल मुझे नजर आता है कि वो आगे बढ़े, और यही बात मैं RCB के लिए कहूँगा, पंजाब के लिए कहूँगा कि वो टीमें हैं जो शायद कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है, एक दिन प्रदर्शन करती हैं। इसके अलावा जो आगे आने वाले 5 या 6 मैच हैं बिल्कुल पूरी तरीके से चारों खाने चित हो जाते हैं, एक यूनिट में प्रदर्शन पूरी टीम इकट्ठा करती है, जबरदस्त मुकाबला जीतती है, फिर सबके सब फ्लॉप हो जाते हैं और टीमें हार जाती है। यही मुंबई इंडियंस के साथ चल रहा, मुंबई इंडियंस
बिल्कुल नीचे बैठी हुई है नंबर 10 की पोजीशन पर, नीचे से दोस्तों टॉप कर रही है हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी वाली है मुंबई इंडियंस। तो मुझे नहीं लगता कि मुंबई इंडियंस टॉप 4 में जगह बना पाएगी। इसी तरीके की कैप्टनसी रही, इसी तरीके की 11 का जो चयन होता रहा अभी तक, नवजोत सिंह सिद्धू ने जो कल कॉमेंट्री करते हुए बोल रहे थे कि अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना तो हार्दिक पांड्या को मैं पढ़ पा रहा हूँ, ना इस टीम जो मैनेजमेंट है मुंबई इंडियंस का, ना उसे पढ़ पा रहा हूँ कि आखिर आपका 11 का जो कॉम्बिनेशन है वो है कहाँ। आपका टॉप 5 बैट्समैन का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, आपका बॉलर्स का टॉप 3 कौन से हैं उसका भी कुछ अता पता नहीं है। तो ये टीम कहाँ से दोस्तों ग्रो करेगी? आप 5 बार चैंपियन जरूर बने हैं, लेकिन आईपीएल 2024 आपके लिए एक बुरे सपने से कम नहीं होगा। तो सभी टीमों की हमने बात कर ली है, मैंने बताया था बहुत शॉर्ट्स में बात करेंगे, लेकिन आप जरूर दोस्तों कमेंट्स करके बताइएगा। और हाँ, आपका दोस्त सतीश राजपूत हमेशा आपके लिए बहुत बेहतर वीडियो लाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आप मत भूलिएगा। आपका एक कमेंट, आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत हौसला देता है, और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा आपका भी, मैं टाइम जो नाम है कमेंट जरूर इसमें लूंगा कि वो कौन सी टॉप 4 टीम है जो क्वालिफाई करती हुई नजर आने वाली है। कमेंट जो तो जरूर कीजिए।